हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में आप लोग देखने वाले हो एयरफोर्स वाटरफॉल और मोरिकम्बो बीच। अनफॉर्चुनेटली मैं ब्लॉग बनाते टाइम सारे वीडियोस मेरा डिलीट हो चुके हैं और कुछ एक वीडियो में रिकवरी करके अभी ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत मेहनत की थी लास्ट ब्लॉग में और जो कि मेरा डिलीट हो चुका है, और कुछ एक वीडियो जो बचे हैं और उसमें मैं कोशिश की हूँ कि अच्छे से दे पाऊँ इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एयरफोर्स वाटरफॉल में और यहाँ पे हम लोग पार्किंग करके आ चुके हैं आगे। इधर पे पार्किंग मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा वेट करो तो मिल जाता है। आगे आ चुके हैं और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इधर पर एक छोटा सा वाटरफॉल है और ट्रेकिंग के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो वाटरफॉल है इसका फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है और व्यू को इंजॉय करो, ट्रेकिंग करो, वॉक करो तो अच्छा लगता है। मौसम क्लाउडी था और सनी सनी होता तो बहुत मज़ा आता। ये वाटरफॉल के पास कोई कैफ़े नहीं है तो अच्छा हुआ कि हम लोग पिज़्ज़ा लेके आ गए थे। इसका कोई फ़ोटोज़ तो नहीं है मेरे पास वाटरफॉल का, और मूड ऑफ हो रहा है कि मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती वो वाटरफॉल। और ये फ़ोटो वीडियो में जितना दिख रहा है वो उससे भी बहुत सुंदर है। वाटरफॉल के साइड में रास्ते हैं और ऊपर तक जाने के लिए। ट्रैकिंग करना है तो और ऊपर तक जा सकते हैं, एक दो घंटा लगेगा। हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं थोड़ा। ऊपर से ऑल्स वाटर व्यू पॉइंट है और कार पार्क के लिए रास्ते भी हैं। यहाँ एयरफोर्स वाटरफॉल में हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके और फ़ोटो वीडियो रील्स थोड़ा बनाए। और ये दोनों तो जैसे मिल रहे हैं, बहुत सालों से मिले नहीं हैं। और वह यहाँ से हम लोग वापस आ चुके थे मोरिकम्बो बीच के तरफ। मोरिकम्बो बीच में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लेग्राउंड है उसके सामने। यहाँ पे पार्किंग भी है, 2.5 pounds है 2 hours के लिए। आहान यहाँ पे खेल के बहुत मज़ा ले रहा था बच्चों के साथ, उसको भी बहुत मज़ा आया क्योंकि पानी है, पानी के सामने प्लेग्राउंड। आहान को खेलते हुए देख के मुझे लगा कि काश हमारे लिए भी यहाँ पे कुछ होता खेलने के लिए। छोड़ो, फिर हम तो बड़े हो चुके हैं, हमारे लिए क्या भी होगा खेलने के लिए। बीच के एक तरफ प्लेग्राउंड और दूसरे तरफ कैफे था। कैफे के पीछे ही वॉशरूम था। ये बीच दो टाइप्स के हैं, सैंड बीच और रॉकी बीच है। यहाँ पे बहुत सारे लोग उनका प्राइवेट बोट लेके आते हैं बोटिंग करने के लिए। अभी हम लोग बीच के दूसरे साइड के तरफ जा रहे हैं। बीच के सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होटल्स था। ये कुछ मेमोरियल से बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है और ये कैफ़े है जहाँ पे कॉफ़ी, टी, डोनट्स सब मिलता है। कैफ़े के ठीक सामने एक क्लॉक टावर है। कैफ़े के सामने यहाँ टेबल चेयर रखे हुए हैं बैठ के खाना खाने के लिए। ये वाला सैंडविच है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने खेल रहे थे। ये एक अच्छी बात है कि ये वाले बीच बहुत क्लीन है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं। ये एक टॉय ट्रेन जा रहा है, यहाँ लोगों ने उनके गाड़ी के पीछे ही बोट लगा के लेके आते हैं और बोटिंग करते हैं। यूके में ऐसे गाड़ी पे आइसक्रीम स्टॉल लगा के रखते हैं। हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, स्नेहा इंजॉय नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो आहान को खिला रही थी, तो चाओ ने इसको देख के डांस कर रही है। यहाँ पे एक दो घंटा बैठ के हम लोग घर के तरफ वापस चले गए थे और एक सर्विस सेंटर में रुके हुए थे। ये लोग चिकन खा रहे हैं मुझे दिखा के, मंडे था मैं इसलिए खा नहीं रही थी। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए बाय बाय।